बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर पुन्नल खान लाशारी, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिशरीज डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। सब का पैरा बुझाने चाहे तो थोड़ा बैकग्राउंड इन स्कॉलरशिप के हवाले का, जी सिंध गवर्नमेंट के तरफा असा के नीड कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली है। इन में तकरीबन वो तो अप्लाई तो काफ़ी कर पर 2500 राउंड असो एलिजिबल थे इंटरव्यू के लिए, जी अस 10 तारीख का वी 10 मई का वी 18 मई तई कंटिन्यूसली ये हल्दा ए डेली अस तकरीबन 300 के लगभग इंटरव्यूज क्यों पाको। मुझे एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर का वी अस इन कमेटी जहाँ मेंबर आयो उनमें यो दिखो वे तो असि सिंध है जो सिंध जो गरीब बार पढ़े तो इतने सिंध यूनिवर्सिटी में वो तमाम नीडी है, स्कॉलरशिप की तमाम घनी जरूरत है असि खास कर सिंध यूनिवर्सिटी के, क्योंकि इतने तकरीबन बैकवर्ड गोठान जहाँ बार अचन था जो कें मुश्किल से उनके वालदेन पढ़ाने के करे इतने मोकलन था। असा यहाँ सिंध गवर्नमेंट का अपील कदे तो जो स्लॉट है एटलीस्ट इो वधायो वञे, छो जो जदि असा इंटरव्यू था क्यों असा यो महसूस क्यों था तो हाँ 200-250 स्लॉट में असा समझू था 50% बार जो उ नीडी आन जूट फिलड का भी उनका पो जो महंगाई जो इन्फ्लेशन थी है इन का जो आम मानू है उनको घर ढो उन बजट मुतासर थी है बार पढ़ाई मुतासर इवन अड़ा भी बार न्याणू अस आयो जो दौरान इंटरव्यू उन्जा गोड़ा अखिन में निकली पाया तो असा अगर ये स्कॉलरशिप अस मिली तो शायद असि स्टडीज़ है हायर स्टडीज़ आज डिसकंटिन्यू थी वन। तो इन के एक्सपीरियंस के मद्देनजर रखे अस डिमांड था क्यों सिंध गवर्नमेंट का तो लिहाजा जो स्लॉट वधाए वे जी अस वे बार फैसिलिटेट कर सकूँ। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी तब सभी के खबर आ सिंध यूनिवर्सिटी में नीडकम जो स्कॉलरशिप हल पी नीडकम मेरिट की उनमें मुझे अज इंटरव्यू थो पूरी उम्मीद है स्कॉलरशिप मिली उन्होंने मुझे लाए सुठो जो रिजल्ट आने बुधा थी सके तो तुके मिली सन छो तो उनके लिए हकदार हुयम मुस्तैक हुयम मुझे उन शे की जरूरत है। जैसे ये स्कॉलरशिप मुझे मिली उनमें मुझे कुछ जो फायदा थन्दा उन्होंने कुछ आऊँ तक बुधा तो मुझा जो एक्सपेंसिस वे पूरा कर में मुझे थोड़ी घनी मदद कहती स्कॉलरशिप उनका अलावा जी वे वही गाल यह मुझे इन साल की फीस पेड न हुई जो पे न पो कर स्कॉलरशिप के मिलने का फीस पे कस जो मथियों साल ही उन फीस भी इन स्कॉलरशिप में पे कस इन स्कॉलरशिप की जी फीस है मिले थी 45,000 जैमें बिन साल की मुझे फीस आसानी से क्लियर थी जितने तीन ये फीस स्कॉलरशिप हल थी मुझे एक्सपेंसिस बाकायदा सुकून से हल्दा मुझे कें शो टेंशन वगैरह नो वही गाल फीस के लिए मुझे टेंशन सफा नी और सफा वालों शुक्रगुजार आया जिन असि ये अपॉर्चुनिटी दिनी असाने लाए उन स्कॉलरशिप आंदी जी अस गरीबन की जरूरतमंद शागिर्दन के लिए हुई ए उम्मीद है असा मिली अस सफा वालों का शुक्रगुजार आए। सर आई एम फयाज अमल निगारी फ्राम डिस्ट्रिक्ट दादू, आई एम एसएच इन डिपार्टमेंट आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। सर अस शुक्रगुजार आयो इसन फिनांसल ऑफिस जहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध जहाँ जो अड़ो स्कॉलरशिप मौका मन मिलदार जो इशूज फिनांशल इशूज जन फैमिली के जैसे वाले साहब की सैलरी इनकम घट आ या कोई शॉपकीपर आ या कोई फार्मर आ उन स्कॉलरशिप वे हेल्प कर सर अड़ो स्कॉलरशिप इनशाला उम्मीद है तो इंदू रही जी गरीब स्कूल उनके सर मौका मिलता रहा। थैंक यू सर। जो असो स्कॉलरशिप बेसिक नीड है स्कॉलरशिप असो एक्सपेंसिस ना अफोर्ड कर सूँ नीडकम स्कॉलरशिप एक बेस्ट ऑप्शन है जो अस मीन्स सालियानी इनकम मतलब जकवा दे थी उन हिसाब से असा बेसिक नीड्स जो पूरा कर सकूं था। ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स लाइ बेस्ट मौको है मतलब असि सिंध यूनिवर्सिटी तरफा ये मिले थी असा वा सिंध यूनिवर्सिटी का शुक्रगुजार। थैंक यू।